सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञान को और पाते रहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस। दोस्तों मेरे सामने जो आपको ये जो बोल्डर्स जमाए हुए दिख रहे हैं, ये इनको एप्रोन बोला जाता है। ये टू टाइप्स के एप्रोन होते हैं, फ्लेक्सिबल एप्रोन होता है और एक फ्लोर एप्रोन होता है, बॉक्स कलवर्ट या माइनर भी जो भी हो उसके केस में। तो फ्लेक्सिबल एप्रोन क्या होता है, फ्लोर एप्रोन क्या होता है, देखिए फ्लोर तो आप सब जानते ही हैं, बिल्डिंग में फ्लोर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। आप मोर्टार डालते हैं, मीन्स ये करते हैं कि आप सीमेंट से उसकी एक बॉन्डिंग बनाते हैं और उस हिसाब से उसमें आप उसको फ्लोर को फिनिश करते हैं। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल में सीमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ बोल्डर्स का यूज़ किया जाता है और सैंड का यूज़ किया जाता है, और उसको पत्थर को जमा के, कहें कि स्टोन्स को जमा के और उनको फिनिश कर दिया जाता है। तो चलिए पास आके देखते हैं। ये आपको जो मेरे सामने दिख रहा है, ये तो होता है फ्लेक्सिबल अप्रोन। आप देख सकते हैं खाली पत्थर का यूज़ किया हुआ है और सैंड इसमें अभी डाली नहीं है, सैंड अभी डालनी बाकी है। तो ये होगा फ्लेक्सिबल अप्रोन। और वो जो दिख रहा है आपको, जो कंक्रीट में एम्बेडेड है पत्थर, आप देख रहे होंगे पहले इसके नीचे एक पीसीसी की जाती है, फिर उस लेयर के ऊपर एक और पीसीसी करके और उसके साथ में पत्थर भी इसमें एम्बेडेड किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी, ये जो है ये होता है फ्लोर अप्रोन। और ये होती है टोवाल। आप देख सकते हैं कि टोवाल किस टाइप से होती है, देखिए यहाँ पे होती है मिट्टी और यहाँ पे होता है सीमेंट, तो यहाँ इन दोनों के बीच में टोवाल बनी जाती है ताकि वो मिट्टी कटे ना और यहाँ पे जो है स्टोन पिचिंग आसानी से कर सके। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कि फ्लेक्सिबल अप्रोन क्या होता है और फ्लोर अप्रोन क्या होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।